नमस्कार मेरे भाइयों, मेरा नाम भरत सावनानी है और किया मोटर्स जो है इंडिया में किया सेलटॉस का ईवी लॉन्च करने वाली है। ये गाड़ी जो एक फुली इलेक्ट्रॉनिक होगी। ये एसयूवी जो है सबसे पहले कोरिया और चाइना में लॉन्च होगी, उसके बाद ये गाड़ी जो है इंडिया में लॉन्च होगी। किया सेलटॉस ने जो है इंडिया में सबसे पहले डेब्यू किया था। किया सेलटॉस के सेल्स फिगर्स जो है इंडिया में काफ़ी अच्छे आ रहे हैं और अब किया मोटर्स जो है इंडिया में कार्निवल और QYI को भी लॉन्च करने वाले हैं। इसके बाद किया मोटर्स जो है इंडिया में किया सेलटॉस ईवी को भी लॉन्च करेगी, जिस गाड़ी का कोड वर्ड जो है SP2 रखा गया है। किया सेलटॉस में जो है आपको किया सोल ईवी का बैटरी पैकेज मिल सकता है जो 64 किलोवाट का होगा। इस गाड़ी को फुली चार्ज करने पर ये गाड़ी जो है 400 किलोमीटर तक चल सकती है और इस गाड़ी को जो है आप अपने घर बैठे ही बहुत ही आसानी के साथ चार्ज कर सकते हैं। अगर हम इस गाड़ी के फीचर्स की बात करें तो इसमें जो है आपको वही सेम फीचर्स मिल सकते हैं, जैसे कि सनरूफ, 10 इंच का जो है टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम विथ एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कारप्ले और नेविगेशन भी मिलेगा। इसमें आपको यूओ कनेक्टिविटी भी मिलेगी, 6 एयरबैग्स, ABS, ODBD, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग, ऐसे बहुत सारे फीचर्स और सेफ्टी फीचर्स जो है आपको इस गाड़ी में मिलेंगे। यह एसयूवी जो है एक इलेक्ट्रॉनिक एसयूवी होगी, जिस वजह से आपको इस गाड़ी के एक्सटीरियर, इंटीरियर और फीचर्स में जो है कुछ चेंजेस मिल सकते हैं। इस गाड़ी की कंपटीशन जो है हुंडई कोना ईवी के साथ है, जिसकी प्राइस जो है 23 लाख के आसपास है। इस गाड़ी की प्राइस जो है 20 लाख से लेके 25 लाख तक हो सकती है एक्स शोरूम दिल्ली। इन इलेक्ट्रॉनिक गाड़ियों में से जो है पॉल्यूशन और नॉइस पॉल्यूशन बिल्कुल भी नहीं होता, जिस वजह से सरकारें जो है इन पे जो है काफ़ी सारी सब्सिडी भी दे रही है। इन गाड़ियों पे जो है टोल टैक्स भी फ्री होता है, RTO इंश्योरेंस भी फ्री होता है। इस पे जो है अब आपको 5% GST लगेगा। चाइना में जो है अब तक 30% मार्केट जो है इन इलेक्ट्रॉनिक गाड़ियों का हो चुका है। इन इलेक्ट्रॉनिक गाड़ियों की मेंटेनेंस जो है बिल्कुल भी नहीं होती और इनकी लाइफ जो है डीजल और पेट्रोल गाड़ियों से काफ़ी ज़्यादा होती है। अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।